हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट चिकन कोरमा, तो चले फ्रेंड्स देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए लो देख लिया जाओ कि व्हाइट चिकन कोरमा कैसे बनेगा। बनाएंगे जो तरीका वह बहुत ही सिंपल बटे कोई भी बहुत ही आसानी से बना ली। फ्रेंड्स, आप इससे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए प्लीज, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ, आपके सपोर्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं थोड़ी सी होपलेस भी होने लगी कि इतना टाइम हो गया मेरे को काम करते और अभी तक मैं कुछ भी बढ़िया रिजल्ट नहीं आया है, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आगे ग्रो नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया हाफ के जी चिकन, इसे धोकर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसे क्या करना है। फ्रेंड्स, मेरा जो तरीका होता है वो काफी सिंपल होता है, ये कोई भी बहुत ही आसानी से बना लेगा, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। फ्रेंड्स, चिकन को आप जब भी वॉश करें इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर वॉश करें, इससे जो है चिकन दिखने में तो साफ हो ही जाता है और इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल चला जाता है। तो इसे हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है हम नमक ऐड कर रहे हैं और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और इसे कवर करके हमने जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। प्याज और टमाटर के साथ ही मैंने ले लिया लहसुन और काजू दाने, मैंने हरी मिर्च ली है और हरा धनिया का पत्ता, इसे भी मैंने जो है बारीक कट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद हमने क्या करना है। फ्रेंड्स, अभी वीडियो हमारा जो है कंटिन्यू है, आप वीडियो देखने के चक्कर में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देख ले लो वीडियो पूरा, देख ले लो, हमें कुछ ना जाए लेकिन हमारा काफी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए लो देख लिया जाओ आगे क्या करेगा। वह हमने लिया एक पैन, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। ऑयल हो चुका है गरम, हम इसमें ऐड करते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हम इसमें खड़ा धनिया ऐड करेंगे, 7 से 8 काली मिर्च, इसी के साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज को, काजू, लहसुन और टमाटर। फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार आप जो है व्हाइट चिकन कोरमा बनाकर देखिए, ये काफी अमेजिंग बनता है। इसे हमने जो है अब यहीं पे हम इसे कवर कर लेते हैं ताकि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, हम पाउडर मसाले का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इन्हीं मसाले से जो है चिकन कोरमा बनाकर रेडी करेंगे। मोस्टली जो होता है फ्रेंड्स व्हाइट चिकन में हम पाउडर मसाले यूज करते हैं, बट मैंने जो है बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और मैं सारे मसाले जो है खड़े यूज कर रही हूँ, इसे जो है टेस्ट एकदम देसी आता है। इस तरह से आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। मसाले को जो है पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये काफी सॉफ्ट भी हो गया है, तो बस यहीं पे हमने जो है गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। ये देखिए टमाटर भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये ठंडा करके मिक्सी जार में इसे पीस लेंगे। उसके बाद हमने लेना है कढ़ाई, उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया, इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, इसे चटकने देंगे। इसके बाद हमने जो है इसमें ऐड कर लेना है चिकन, मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए इसे हमने जो है करीब 5 से 7 मिनट इसे हमने भूनना है, इससे जो है चिकन का स्मेल भी चला जाएगा और जो चिकन है वो भी काफी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना कि जो चिकन है वो अलग से हमें भूनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और इसमें काफी प्यारा सा कलर भी आ जाता है। चिकन जो है काफी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ये देखिए इसमें प्यारा सा कलर भी आने लगा है, देख सकते हैं। तो बस हमारा जो चिकन है वो करीब 70% जो यहीं पे कुक हो गया है फ्राई करते टाइम ही। अब हमने जो है प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर लेंगे, इसके साथ ही हम इसमें 2 बड़ा चम्मच दही ऐड करेंगे और फ्लेम को हमने जो है बिल्कुल लो रखा हुआ है, देख सकते हैं, और इसी लो फ्लेम पे ही हमने दही को ऐड करना है, नहीं तो जो दही है वो फट जाती है।
और एक चम्मच मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये मैंने जो है अभी अभी दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना उससे निकाल कर ऐड किया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि हमने क्या है सन बिहार से, तो यहाँ हर चीज बहुत ही मुश्किल से मिले ना, तो क्रीम भी यहाँ पे नहीं मिल पाता है। हमारा घर तो गाय भी है तो हम क्रीम रखे नहीं हमेशा, तो इसे अच्छे से एक बार चला लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसी टाइम आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ना हमारा जो व्हाइट चिकन कोरमा है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता और 3 हरी मिर्च। ये बस हम जो है इसे प्यारा सा दिखने के लिए मैं मिर्च का यूज यहाँ पे कर रही हूँ और इसे हमने चला लेना है। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके हमने जो है करीब 5 से 7 मिनट इसे हमने कुक करना है। चिकन को कुक होते 10 मिनट हो चुका है, ये देख सकते हैं ये काफी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और ऑयल भी जो है देखिए ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा जो व्हाइट चिकन करी है वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ भुने हुए काजू और इसे वापस से अच्छे से चला लेते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितना अमेजिंग और कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा और इसे करीब 3 से 4 मिनट और कुक कर लीजिए, तो आपका जो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपके हिसाब से उतनी रख लीजिए। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा ना, ये काफी इजी है बनाना फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सुपर डिलीशियस एंड सुपर रिच एंड क्रीमी सा जो व्हाइट चिकन कोरमा है वो बनकर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स देखने में भी कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसे रोटी चपाती नान जिस भी चीज के साथ आपको पसंद है आप इसे एंजॉय करिए, ये काफी अमेजिंग लगता है। तो हमारा जो व्हाइट चिकन कोरमा है वो तो हो चुका है रेडी, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अमेजिंग दिख रहा है ना। और इसे आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ये आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स ये व्हाइट चिकन बनाते बनाते मेरी तो एकदम गर्मी छूट गई है और फ्रेंड्स बिहार में इस टाइम अभी इतना ना ज्यादा गर्मी है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी मेरी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय।